नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्योर स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ शुभम। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको किन किन किस तरीके की वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर दिखाई देने वाली है। तो बेसिकली अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो यकीनन स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आईपीएल जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि बिल्कुल सर पर है, 19 सितंबर से आईपीएल खेले जाने वाला है। तो उसकी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आपको। साथ ही स्टैट्स के भी लिहाज से जानेंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जो इंडिया में तो इफेक्टिव थे, लेकिन कौन से प्लेयर्स होंगे जो यूएई में आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो उससे रिलेटेड भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। साथ ही अगर आप पुराने क्रिकेट के फैन हैं, यानी 70-80 के दशक की किस्से कहानियों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे इस चैनल पर और जानेंगे कि वेस्ट इंडीज की वो 4 गेंदबाजों के बारे में जिनसे बल्लेबाज थर थर कांपते थे और जिनके सामने जाने से डरते थे। उस टेस्ट की बात करेंगे जहां टीम इंडिया ने बैटिंग करने से इनकार कर दिया था, इतनी खतरनाक गेंदबाजी करी थी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने, उस टेस्ट की भी बात करेंगे। साथ ही और भी बहुत कुछ जानेंगे, ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे, बाकी स्पोर्ट्स की भी बातें होंगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको जरूर मिले मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज बात करते हैं लेकिन उस खिलाड़ी की जिससे मैं खुद निजी तौर पर काफी प्रभावित हूं। जिन 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया उसमें उस खिलाड़ी का नाम शामिल है। उससे पहले, सबसे पहले मैं उस खिलाड़ी की अगर बात करूं तो उससे पहले मैं आपको उन 5 खिलाड़ियों के नाम बता दूं जिनको 29 अगस्त यानी कल खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा यकीनन वो क्रिकेटर हैं जो सचिन, धोनी, विराट के बाद 4थे क्रिकेटर बने हैं जिनको इस खेल से नवाजा गया है, इस सम्मान से नवाजा गया है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा के बाद मनिका बत्रा हैं जिन्होंने टेनिस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है हाल फिलहाल में। उस हालांकि उनके नाम को लेकर काफी सवाल भी खड़े हुए थे क्योंकि अर्जुन अवार्ड उनको पहले भी दिया जा चुका था, तो फिर इतना बड़ा पुरस्कार क्यों। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मनिका बत्रा के बाद विनेश फोगाट हैं जिन्होंने रेसलिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसकी वजह से उनको इस खेल से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मरियप्पा थंगावेलु जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। वो इस रियो पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था और उन्हीं की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। उनके अलावा अगर आप बात करेंगे खिलाड़ियों की तो और भी खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें ईशांत शर्मा क्रिकेटर के तौर पर हैं, दीप्ति शर्मा हैं क्रिकेटर के तौर पर, काफी आर्चरी और बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल जो हैं वो 5वीं खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न दिया गया है, और महिला हॉकी की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन आज बात जिस खिलाड़ी से मैं काफी प्रभावित हूँ यानी मरियप्पा थंगावेलु की। कहते हैं कि अगर मन हारे हार है और मन जीते जीत, बिल्कुल कुछ यही पंक्ति हैं जो इस खिलाड़ी पर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। महज 5 साल के थे तब बस जो एक बस थी उनके पैर से गुजर गई एक्सीडेंट में, अपना दायां पैर खो बैठे। जब बहुत ही छोटे थे बचपन में, उसी उम्र में पिता ने साथ छोड़ दिया और पूरे परिवार को छोड़कर चले गए। माँ के अलावा मरियप्पन को लेकर कुल 4 ये भाई बहन थे। काफ़ी गुजारा करना काफ़ी मुश्किल था उस समय। तमिलनाडु के काफ़ी छोटे से शहर से ये आते हैं और काफ़ी उम्मीदों के साथ उनकी माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया। बताया जाता है कि मरियप्पन ने खुद इस बात को बताया था कि जब वो 5 साल के थे उसके एक्सीडेंट के बाद उनकी फैमिली सिचुएशन थी वो जो काफ़ी खराब रही थी। उनके पैर को ठीक करने के लिए उनकी माँ ने 3 लाख तक का लोन ले लिया था, जिसकी लिए काफ़ी उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा बाद में। लेकिन हिम्मत जो थी वो मरियप्पन ने कभी नहीं हारी। अपनी पढ़ाई लिखाई लगातार उन्होंने जारी रखी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के अलावा उनकी खेल में जो है वो शुरुआत से ही रुचि थी, खेल में उनको शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत से ही खेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उनको बास्केटबॉल खेलने का काफ़ी शौक था। लेकिन उनकी जो जिस खेल से वो जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं मैं, हाई जंप यानी ऊंची कूद में वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2016 जो ओलंपिक्स खेले गए थे, पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
उसके बिना पर ही उनको खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो उस खेल में उनकी कोच ने उनको देखा कि वो काफी अच्छे हैं और सामान्य जो अगर आप खिलाड़ियों की बात करेंगे जो पूरी तरीके से चलने में समर्थ थे उनके अगर मुकाबलों में बात करेंगे उनके साथ जब वो खेले तो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने और दूसरे नंबर पर आए थे वो जब उन्होंने स्कूल स्तर पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उनके खेल से काफी प्रभावित हुए उनके स्कूली कोच और उनको इस खेल में आगे बढ़ने की सलाह दी। बस उसके बाद से मैयप्पन ने तय कर लिया कि वो इस खेल में जो है अपना भविष्य बनाएंगे और इस खेल में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे आगे। वहीं से शुरुआत हुई इस खिलाड़ी के खेल की। उसके बाद राष्ट्रीय खेलों में जब उनको उनके कोच जिनको कहा जाता है कि जैसे कि हर खिलाड़ी के लिए कहा जाता है कि एक खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक कोच की आवश्यकता होती है, कुछ वैसे ही कोच और कुछ वैसे ही शुरुआत के साथ उनकी जिंदगी में आए कोच उनके सत्यनारायण। पहली बार उनको राष्ट्र खेल में खेलते हुए देखा और उनके खेल से इतना प्रभावित हुए कि उनके उनको बेंगलुरु लेकर चले गए। जब मरियप्पन में जब 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र थी जब वो बेंगलुरु गए अपने कोच सत्यनारायण के साथ, वहां से उनके करियर का जो था वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से मरियप्पन ने जो है खेल की अपनी शुरुआत करी। बताते हैं अगर उनकी पिछले दिनों की अगर बात करें तो जब 2015 से 2012 से 2015 का जो साल था वो मरियप्पन के लिए काफी मुश्किल भरा था। माँ की अपनी मदद करने के लिए वो सुबह सुबह अखबारों को बेचा करते थे। दो से मरियप्पन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2 से 3 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर अखबारों को बेचा करते थे, घरों घरों में डालने जाया करते थे। उसके अलावा सुबह के टाइम वो ये काम किया करते थे, उसके बाद दिन में वो मजदूरी किया करते थे और कुल जो उनकी एक दिन की इनकम होती थी वो 200 रुपये मात्र होती थी। उस 200 रुपये में वो 200 रुपये ले जाकर अपनी माँ को देते थे और अपने घर चलाने में मदद किया करते थे। माँ उनकी जो है घरों में काम करने के अलावा सब्जी भी बेचा करती थी। तो इस मुश्किल दौर था काफ़ी मरियप्पन के लिए क्योंकि फाइनेंशियली तो स्ट्रगल कर ही रहे थे वो, और दूसरी बात ये थी कि शरीर ने भी साथ छोड़ दिया था, यानी एक पैर जो था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, एक पैर जो है काटा जा चुका था, यानी एक पैर के बलबूते पर उनको जो है आगे का सफर तय करना था। लेकिन हिम्मत जो थी और बुलंद हौसले जो थे वो मरियप्पन के पूरी तरीके से साथ थे, क्योंकि अगर आज के हम दौर में देखेंगे तो काफ़ी युवा जो पीढ़ी है हमारी वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है या डिप्रेस हो जाती है किन्हीं चीज़ों को लेकर। तो ऐसे लोगों के लिए भी मरियप्पन जो है वो बहुत बड़ी सीख हैं और कह सकते हैं कि मिसाल हैं बहुत ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो किसी तरीके से अपाहिज होने के चलते किसी खेल से अपनी रुचि हटा रहे हैं। इसके बाद अगर अब उनकी दौड़ते हैं उनके सफर पर, तो बेंगलुरु में जब वो वहाँ खेलने पहुंचे तो वहां से उनके जो करियर की जो है असल शुरुआत हुई। बेंगलुरु में वहां पर 2015 के अंत में वो गए, वहां से उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और उनकी जो खेल में जो उनके जो प्रदर्शन जो था ना उनका वो काफी उच्च स्तरीय था शुरुआत से ही। यही वजह थी कि उनकी कोच सत्यनारायण को उनमें वो जज्बा दिखाता कि ये जो है सामान्य खिलाड़ी जो हैं उनको टक्कर दे सकते हैं। सत्यनारायण ने ऐसी बात भी कही थी। मरियप्पन खुद बताते हैं कि वो अपने आप को सामान्य जो खिलाड़ी थे उनसे बेसिकली किसी भी तरीके से खुद को कम नहीं समझते थे। यही उनकी सबसे बड़ी कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी रही थी जो वो यहाँ तक पहुँच सके। 2015 में जब वो वहाँ से बेंगलुरु गए और वहाँ उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जितने भी खेलने के उनको मौके मिले लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, और 2016 जो रियो ओलंपिक्स थे पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी कैटेगरी में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहले खिलाड़ी थे भारत की तरफ से जो इस स्पोर्ट्स में आप टीम को भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे। उसके बाद जो था गोल्ड मेडल मिलने के बाद उनको एस आई ई ने जो कि ओलंपिक से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको देखती है, उन्होंने उनको एक पद भी दिया कोच के तौर पर जो कि निजी संस्थान होती हैं उनकी वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने ज़मीन वगैरह खरीदी और अपने घर का निर्माण किया। मरियप्पन बताते हैं कि उस दौर से निकलने के बाद जो आज जब वो उस दौर में सोचते भी हैं कि किस तरीके की वो परेशानी और मुश्किलों से गुजरे हैं तो वो उनकी रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल दौर था उनके लिए लेकिन अब जो है उनको खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 29 अगस्त को कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल समारोह हुआ था जिसमें उनको इस खेल से इस खेल रत्न सम्मान से जो है नवाजा गया। बहुत बड़ी बात है किसी खिलाड़ी के लिए कि इस खेल रत्न का, क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार जो है माना जाता है अगर आप स्पोर्ट्स के खेल में अगर बात करेंगे तो।
आगे 2021 ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं वो, दुबई में जो कि खेली गई थी टूर्नामेंट उसमें उन्होंने तीसरा स्थान जो है हासिल किया था, और 2021 के लिए भी 2020 माफ करिएगा जो टोक्यो ओलंपिक्स होने थे जो अब जो 2021 में होंगे जो कि 24 अगस्त से होने हैं पिछले अगले साल यानी टोक्यो में जो कि जापान में खेला जाएगा, उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं और वहां पर आपको खेलते नजर आएंगे, और उनसे एक बार फिर जो है वो भारत को गोल्ड की उम्मीद है। ऐसे खिलाड़ियों की जो है संघर्ष को देखते हुए जो कि काफी प्रेरणादायक भी है लोगों के लिए, काफी मोटिवेशन आपको लेनी चाहिए, और काफी ऐसी कहूंगा मैं जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये काफी प्रेरणादायक है। अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे रानी रामपाल की, जो कि एक और खिलाड़ी हैं खेल रत्न की, जिनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, काफी इन्होंने भी संघर्ष देखा है अपनी जिंदगी में, तो उनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाइएगा, और साथ ही कमेंट कर कर बताइए कि किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं। बेसिकली राइजिंग स्टार्स पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो कि जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले, अगर रणजी सीजन्स की बात करेंगे तो उनकी भी बात करेंगे, काफी ऐसे प्लेयर्स हैं और ओलंपिक्स में भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनकी भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोज का जब तक वेट करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।